दोनों हाथों में जो पुष्प थे वो गुरुजी माताजी की तरफ उन्होंने फेंक के डाल दिए और फिर वो हाथ फिर नीचे चले गए। माताजी ने पीछे मुड़ के देखा तो मोती खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, तूने कुछ देखा तो नहीं? नहीं माताजी। नहीं, तूने कुछ देखा? तुझे याद तो नहीं है? अच्छा चल, आज से तू भूल जाएगा, तेरे को याद नहीं रहेगा। उसको वास्तव में याद नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा उसको। वो मोती जो था, माताजी गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद यहाँ से रुड़की चला गया, रुड़की में रिक्शा चलाने लगा। आज भी रुड़की में रहता है वो, कोई जानना चाहे तो उससे आगे घटना पूछ सकता है। जब माताजी गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ, उसने पेपर में पढ़ा तो फिर आया और उसने कहा कि माताजी गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद, गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद, धीरे धीरे माताजी के महाप्रयाण के बाद पूरी तरह से वो घटना फिर से याद आ गई उसको पूरी पूरी। मैंने गुरुदेव माताजी के जीवित रहते वो घटना में किसी को बता ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आई कभी। तो महापुरुष जो होते हैं उनकी लीला बड़ी अपरंपार होती है, वो हमारे साथ रहते हैं और हम उनको जान ही नहीं पाते। एक और घटना है उसी की मोती से जुड़ी हुई, कि मोती ने कहा माताजी बच्चे नहीं होते। माताजी ने कहा बेटा तेरे को बच्चे नहीं होंगे, तुझे बच्चे आएंगे परेशान करेंगे तुझे, तू अपना काम करता रहे। माताजी आपका आशीर्वाद सब होते, मैंने इतने सारे लोगों को देखा कि वो आए प्रणाम किया, बच्चे हो गए और आप मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो माताजी ने कहा कि बेटा देख, अगर भगवान को मंजूर होगा तो हो जाएंगे, ले ये केला रखा है, ये फल रखा है, तू ले जा, दोनों दोनों ले जा। अब उसने क्या किया कि मोती ने ले जा करके अपने घर के अंदर रख दिए, अपनी पत्नी को नहीं बता पाया। इतने में कोई बाहर को बुलाने आया तो उधर चला गया। उसकी बहन, मोती की बहन आई, मोती की बहन ने कहा भाई कुछ लेके आए हैं। वो शाम तक तो उसने बताया नहीं था, शाम तक नहीं बताया था, तो वो फल जो है उस बहन ने खा लिया। मोती को तो बच्चा नहीं हुआ पर उस बहन को बच्चा हो गया। ये घटना ये बताती है कि जो जो गुरु कहे उसके वचनों में विश्वास करो, जो गुरु कह रहा है उसकी बात पे पूरा विश्वास करो, उसकी बात में संशय मत रखो। सामान्य से लगते हैं गुरु, चलते फिरते लगते हैं, हमारे आसपास लगते हैं, पर उनको हम पहचान नहीं पा रहे। तीसरा रूप भगवान का, अवतार लेने आते हैं पर हमको दिखाई पड़ते हैं सामान्य रूप में और हमको समझ नहीं पाते। और चौथा रूप बिरलों को मिल पाता है। चौथा रूप क्या है? तत्व रूप। तत्व रूप में, तत्व रूप में ना परमात्मा है, परब्रह्म है, सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वयं है, उनका वो तत्व रूप, उनको जानना, निर्विकार भाव से उनको जानना, ये तत्व रूप कहलाते हैं। मैंने ये बातें बताई थी। उसके बाद ये बताया था कि भगवान कथा सुनाते हैं रामायण में, तो विभिन्न रूपों में कथा सुनाते हैं। भगवान शिव कथा सुनाते हैं पार्वती को, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा ज्ञान के। मैंने क्या सुनाया था तुम लोगों को? श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा ज्ञान के गुण। जो दोनों ही, श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए, वक्ता भी मजबूत होना चाहिए, वक्ता भी अच्छा होना चाहिए प्राणवान, श्रोता भी प्राणवान होना चाहिए। मैंने राम किंकर जी की बात बताई थी और ये बताया था कि सही अर्थों में अगर देखा जाए तो आज श्रोता वक्ता कहीं नहीं है, वक्ता गिने चुने हैं, बहुत सीमित, कुछ परसेंट, कुछ पॉइंट 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 परसेंट बस, बाकी तो श्रोता हैं। श्रोता को थोड़ा सा और फैला दो तो श्रोता हैं। श्रोता क्या करता है, सुपारी को काटता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जेब काटते हैं सामने वाले के, सुनने वालों की जेब काटते हैं। कल भगवान का जन्म होने वाला है, आप सब लोग 500 रुपये लाना, 1000 रुपये लाना, और भगवान के जन्म के नाम पर एक छोटे से बच्चे को किसी को मेकअप करके ले आते हैं, वो सबकी गोद में घूमता रहता है और आखिर में जब लौट के आता है रुपयों की पोटली लेके आता है वो बच्चा। भगवान राम का जन्म और लोगों की श्रद्धा का दोहन, शोषण। ये जो आज स्वरूप बन गया है उस स्वरूप से अलग, हमें भगवान को तत्व रूप में समझना है तो हम भगवान को सही अर्थों में तभी समझ सकते हैं जब उनको जानने का प्रयास करें कि भगवान कौन है। इतना सब बातें बताई थी। तो भगवान से कहते हैं वाल्मीकि जी, आपका स्वरूप तो नेति नेति है, अव्यक्त है, अकथनीय है, इसलिए, और ये आपकी काया जो है ये मिट्टी की काया नहीं है, ये चिन्मय काया है, विकारों से मुक्त है, इसलिए ऐसी काया जिससे आपने ये किया है, जन्म लिया है, आपके जीवन में आपको सब मालूम है कि क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, और आप कहाँ कहाँ रहेंगे, 11 वर्ष यहाँ रहेंगे, 2 वर्ष दंडकारण्य में रहेंगे, 1 वर्ष आपको सीता के वियोग में बिताना पड़ेगा, 2 वर्ष सीता के वियोग में बिताना पड़ेगा। तो वास्तव में भगवान दशरथ पुत्र को कहते हैं, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आपके संकल्प से सृष्टि चल रही है। रस बरसता है कथा में, अगर भगवान की कथा सही ढंग से सुनी जाए, सुनाने वाला सही हो तो।
वाल्मीकि हंसे, राम मुस्कुराए, कहाँ मैं व्यक्त रूप में तत्व रूप में रह सकूँ, व्यक्त स्वरूप में तत्व रूप में रह सकूँ, वह स्थान बतलाइए। भगवान घर बताते हैं, भगवान के 14 घर। ये जो बाल अयोध्या कांड का 127वां श्लोक है उसके बाद का वर्णन है पूरा का पूरा। भगवान को बताते हैं कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसों से लखन समेत। मैंने जानबूझ के इस बार रामायण इसलिए ली, पिछली बार नवदा भक्ति ली थी चैत्र नवरात्रि में, तो अश्विन नवरात्रि में क्या लिया था, स्थित प्रज्ञ का अध्याय, इसलिए इस बार रामायण ली है। और रामायण का ये प्रकरण जब एक एक करके जब आगे बढ़ते जाएंगे, घर आते जाएंगे, तो आपको लगेगा वास्तव में घरों की चर्चा हमें जानना बहुत जरूरी थी। पहला घर है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरे रहते हैं। समुद्र क्या होता है, नदियों के कारण निरंतर भरा रहता है, चाहे हिंद महासागर देख लो चाहे प्रशांत महासागर देख लो, समुद्र निरंतर लबालब भरा हुआ है। क्यों, नदियां कहां खाली होंगी, आप पूरे प्राणम अचलम प्रतिष्ठम, जाके सारी नदियां अपना पानी खाली कर देती हैं और समुद्र उनको बाष्पीकृत करके बादल बनाकर फिर बरसा के वापस मंगवा लेता है अपने लिए। समुद्र पानी से भरा हुआ है। तो जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर, उस सब में अलंकार है, परंतु कभी तृप्त नहीं होते समुद्र, कभी तृप्त नहीं होता समुद्र में, कितनी नदियां आ जाएं कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो समुद्र भर जाएगा पूरा। ग्लोबल वार्मिंग जैसे बता रहे हैं ना, अभी ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, समुद्र के किनारे की सिटीज जो हैं वो डूब जाएंगी और ये हो जाएगा, तो बताते हैं मुंबई गायब हो जाएगी, कलकत्ता में पानी भर जाएगा, मालूम नहीं होगा कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लोग अकलमंद हो रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं सब कुछ। कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह क्रूरे, उनके घर में आपके लिए निवास स्थान बनाइए, उनके हृदय में आप उनके लिए सुंदर घर बनाइए। और लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाष, निदरही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जो भारी भारी जिनके जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, सब जगह तुलसीदास जी बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे कवि थे, तो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए चातक पक्षी की तरह से लालायित रहते हैं। मेघ यानी बादल, चातक यानी पक्षी। चातक पक्षी क्या करता है, वो इंतजार करता रहता है कब मेघ बरसेंगे, कब मेघ बरसेंगे, कब बादल बरसेंगे, और विशेष नक्षत्र में भी बताता हूं तुमको पूरा। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, पूरा समुद्र भर पानी भी नहीं चाहिए, अगर एक बूंद भगवान मिल जाए तो सब ठीक है। वन ड्रॉप इज इनफ, एक झलक बस, उनकी एक झलक मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा, उससे सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी उनको अगर हो जाती है तो पृथ्वी स्वर्ग ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास कीजिए। ये पहले दो घर हैं, आज दो घर की चर्चा करेंगे, समय कम है क्योंकि एक दिन निकल गया, इसलिए कल तीन घर की चर्चा करेंगे, फिर तीन तीन घर की चर्चा करेंगे, अंतिम दिन चित्रकूट की महिमा की चर्चा करेंगे, चित्रकूट की